कर रहा है या आखिर सिर दर्द की परेशानी शुरू क्यों हो जाती है? इमरती जो है ये सिर दर्द होता क्यों है? कभी आधे में, कभी पूरे सिर में, कभी आंखों में दर्द भी होने लगता है। ये होता कैसे? चलो उसके ऊपर भी आ जाते हैं, उसके ऊपर आते हैं अभी। जिनको भी सिर दर्द हो या अभ्यास करना, सिर दर्द का के लिए वही अभ्यास है जो हम स्पाइनल कोड के लिए करवाते हैं। जरा आपने जो पूछा उसका मैं कारण बता दे, तो वात पित्त और कफ के असंतुलन से सिर दर्द होता है। किसी को वात रोग बहुत बढ़ जाए तो शरीर में जोड़ों में तो दर्द होता ही है, उसका असर सिर के ऊपर भी आता है। हमारे जो है सिर दर्द और बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए, हमारे स्नैप्स और अंदर के न्यूरोस और कमज़ोर हो जाते हैं, तो उससे माइलिन सीट कमज़ोर पड़ जाती है, तो दौरा तक पड़ जाता है किसी किसी को, तो वो उनके लिए भी एक, तो चाहे माइलिन सीट वीक हो गई हो, चाहे स्नैप्स वीक हो गए हो, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया हो, वात का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, तो सिर दर्द होता है। इसको वातज सिर दर्द कहते हैं। एक दिन हमने त्रिदोष पर कार्यक्रम रखा था। दूसरा होता है पित्त बढ़ने से, एसिडिटी बढ़ जाएगी तो सिर दर्द हो जाएगा। एसिडिटी बढ़ने से एसिड का सीधा असर पहले तो पित्ता से शुरू होता है और सिर तक पहुंच जाता है, इसलिए वमन कराते हैं फिर उनको वमन। तो ये भुजंगासन करते करते पित्त का के कारण से सिर दर्द होता है। किसी किसी को कफ होता है तो नजला होता है, बाल भी सफ़ेद कर देता है, आंखों की भी रोशनी गड़बड़ हो जाती है, नाक के अंदर की हड्डी बढ़ जाती है, यहाँ आधा आधा किलो तक कफ जमा हो जाता है। उसको हमने आपको एक दिन बताया भी था कि हम रीठा और त्रिकुटा नाक में डाल देते हैं, नस्य करवा देते हैं तो सिर दर्द भगा देते हैं। तो वातज पित्तज कफ सिर दर्द होता है। ज़्यादा भूखा रहने से सिर में दर्द हो जाता है, नींद पूरी ना आने से सिर में दर्द हो जाता है, स्ट्रेस होने से, और कोई इमोशनली बहुत हर्ट हो जाता है उससे भी सिर दर्द हो जाता है। जैसे हमारे भाई बोल रहे थे विटामिन डी की पूरी फैमिली में डेफिशिएंसी है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र राहुटी जी। पूरे परिवार में विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी है। अब तो इनको हमने लाइकिन से बने हुए टैबलेट भी दे दी है और कौन से बने हुए, तो लाइकिन और कौन का प्रयोग भी बता दिया। एक घंटा इनको धूप में हम योगाभ्यास करवा रहे हैं यहाँ, और उससे इनका माइग्रेन पेन अच्छा हो गया। तो कई बार कई किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी से भी सिर दर्द हो जाता है। स्वामी जी, सूरज की रोशनी जो है अब वो विटामिन D3 के लिए काम करती है, तो कई बार सूरज की रोशनी और मोबाइल की तेज रोशनी जो है वो माइग्रेन को ट्रिगर भी कर देती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो जो माइग्रेन? हाँ, ये भी है। जी जी, देखो तो देखो जिनको सूरज की तेज रोशनी से दर्द होता है तो पहले तो उनको हम धीरे धीरे उनकी सहन शक्ति को बढ़ाते हैं हम माइग्रेन के लिए, और यही सेम अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी है, स्पाइनल कोड के लिए भी है, क्योंकि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पैराफेरल नर्वस सिस्टम का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, वो कर आपको बता रहे हैं। तो जिनको भी ये लाइटिंग से प्रॉब्लम होती है, एक तो उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम पूरा करवाते, अनुलोम विलोम के साथ साथ उनको ये जो मिट्टी की पट्टी पेट के ऊपर, पेट का माने पेट का और दिमाग का, बोले भाई इसका पेट खराब है, इसका तो दिमाग ही खराब है। पेट में दिमाग में जब खराबी आती है तो दिल में भी खराबी आती है, और फिर आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में एक डिस्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है। रॉन्ग थॉट्स, रॉन्ग इमोशंस, रॉन्ग एक्शन रिएक्शन डिस्ट्रैक्शन, एक बड़ा गलत साइकिल शुरू हो जाता है। खैर, तो अभी आपको मैं बता रहा था कि सिर दर्द यदि लाइट से ज़्यादा हो, वैसे तो जिनको कम लाइट के कारण से मैंने यूरोप में और देखा है वहाँ पर तो तेज बल्ब जला देते हैं, जिनको डिप्रेशन और ये सब चीज़ें होने लगती हैं, तो वो अलग सिचुएशन है। जिनको तेज रोशनी से या मोबाइल की लाइट से, जैसे आपने बताया तेज लाइट से सिर दर्द हो जाता है, उन लोगों को धीरे धीरे त्राटक करवाते हैं, अनुलोम विलोम कराते हैं, शीतली शीतकारी कराते हैं, उनको मिट्टी की पट्टी पेट पर और माथे पर रखवाते हैं और इस प्रॉब्लम से, और ये सिरोधारा करवाते हैं, एकदम ठीक हो जाते हैं। और वो सुबह शाम सामान्य रूप से एक टॉवेल पानी में भिगो करके और माथे के ऊपर थोड़ी देर ये पट्टी रख ले, सामान्य रूप से जो टॉवेल रखा है इसको ही पानी में भिगोया और पानी में भिगो करके ऐसे माथे के ऊपर पट्टी लगा करके रख ले, और ये मिट्टी ये पानी की पट्टी रख करके और फिर ही प्राणायाम कर ले अनुलोम विलोम, और जो आसन आज हम बता रहे इन आसनों को कर ले तो जो है सिर दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये आपने जो पूछा हुसैन भाई उसका भी उत्तर दे दिया है, और साथ में मैं ये अभ्यास बता रहा हूँ, बांधती है क्या उससे भी आराम मिलता है? हाँ, उससे टेम्परेरी रिलीफ मिलता है, तो वो तो एक सिर दर्द होने के बाद में आज एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी इसके बताएंगे,
वो पॉइंट भी दब जाते हैं। ये दो मुख्य पॉइंट होते हैं, यहाँ दो पॉइंट ये होते हैं, फिर ये यहाँ नाक के यहाँ दोनों तरफ दबाने से भी ठीक होता है, सिर के पीछे मेडुला ये भी दबाने से ठीक होता है, तो ये और ये दोनों तरफ ये पॉइंट, और सिर दर्द में ऐसे दबाने से वो इसीलिए फ़ायदा होता है कि उससे जो उपद्रव हो रहा है होता है अंदर, उसमें तात्कालिक रिलीफ मिलता है। ये जो मैंने बताया है ये उसके परमानेंट रिलीफ। स्वामी जी सिर पर बंधे दुपट्टे की वजह से घर में दूसरे तरह का उपद्रव होने लगता है। खैर स्वामी जी, सवाल बहुत सारे आ रहे हैं, कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। शिवम शर्मा का सवाल है, स्वामी जी सिर के पिछले हिस्से में उनको दर्द होता है और नींद नहीं आती है, हालांकि सारे उपाय आप ज्यादातर बता चुके हैं, फिर भी खास तौर से शिवम शर्मा को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? इधर तो उनके लिए सलाह ये है, बैठो इधर, बैठो उधर मुंह करके। एक तो ये यहां से पॉइंट दबाए, पिछले हिस्से में दर्द होता है तो अनुलोम विलोम मीनाक्षी जी आप कर लो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत शीतली शीतकारी, ये तो महत्वपूर्ण प्राणायाम है। ये दोनों तरफ से यहाँ से दबाएं, ये पीछे ये नस है, ये दोनों ये इधर से ये दोनों मणके हैं, यहाँ से रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले, और ये यहाँ पीछे इसके बीच का स्थान है, यहाँ से ऐसे दबाएं ऐसे, और थोड़े कान पकड़ करके ऐसे ऐसे खींच दें, और ये दोनों तरफ ये पॉइंट है, ये दोनों तरफ के ये पॉइंट दबाएं, और थोड़ा बादाम रोगन सिर पे लगा लें, बादाम रोगन खा लें, इसको भी काफ़ी सिर में दर्द है, बैठ जाओ सीधे बैठ जाओ। और मेधावटी, ये मेधावटी जरूर खाएं, दो दो गोली सुबह शाम मेधावटी ले लें, और ये जो बादाम का तेल है, ये बादाम तेल जो है ये नाक के अंदर डाल लें और इसको एक चम्मच पी भी लें, और मेधावटी दो दो गोली खा लें, और मेधा क्वाथ रात को कुरड़ी में भिगो करके सुबह इसको छान करके पी लें। ये जीरा धनिया सूप का पानी राजेश्वरी ने पिया, जो सबसे पहले आप पेशेंट देख रहे थे, और उसने प्राणायाम किया और उसने अपना सिर दर्द परमानेंट ठीक कर लिया है। तो जीरा धनिया सूप मेथी अजवाइन का पानी, जो पंचामृत हमने बताया इंडिया टीवी पर देख करके करोड़ों लोगों ने पीना शुरू कर दिया है, और ये माइग्रेन पेन के लिए तो मेधा क्वाथ रामबाण अद्भुत अप्रतिम संजीवनी है, अल्टीमेट चीज है ये तो।